बस पाहे पार्टी, बस पाहे पार्टी, हाथी का निशान है, हाथी का निशान है, बहन जी आदर्श नेता, बहन जी आदर्श नेता, देश की जो शान है, बस पाहे पार्टी, हाथी का निशान है, बहन जी आदर्श नेता, देश की जो शान है। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के जनाधार की। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स की, उन वोटर्स की जो वोटर्स बहुजन समाज पार्टी से निस्वार्थ जुड़ा हुआ है, वह वोटर्स जो बहुजन समाज पार्टी से एक ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है, जोश के साथ जुड़ा हुआ है, वो एक आस के साथ जुड़ा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी 2022 में उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ के एक मान्यवर साहब कांचीराम पार्क में, जो 9 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा था। मान्यवर साहब कांचीराम जी की 15वीं पुण्यतिथि के दिन 9 अक्टूबर 2021 के दिन लखनऊ के मान्यवर साहब कांचीराम पार्क में बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत बड़ा रेला किया था, रेला कह सकते हैं, जिसमें लाखों की तादाद में लोग मौजूद रहे, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी वहां मौजूद थे, जो हमने देखा। और जो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर्स खिसकने लगा, जो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म होने लगी, यह उनके मुंह पर जोरदार एक तमाचा है। यह बात बहन कुमारी मायावती जी ने भी अपनी स्पीच में कही कि जो विपक्षी दल भाजपा, सपा व कांग्रेस अपने प्रोग्राम में भीड़ जुटाते हैं, उनसे कई गुना ज्यादा भीड़ लखनऊ के मान्यवर साहब कांचीराम पार्क में देखने को मिली। और जो मिनिस्ट्री मीडिया है जो एक पक्षपात करती है, उसके मुंह पर भी एक बहुत जोरदार तमाचा है, क्योंकि वह दिखाना ही नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी भी कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। वह समझते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक छोटी पार्टी है, लेकिन यह बात सत्य है, वह भूल जाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। यह पार्टी वह है जो सब समाज को लेकर आज साथ चल रहे हैं, क्योंकि समय बहुत परिवर्तनशील है, समय के अनुसार परिवर्तन भी होना जरूरी है। आज बहुजन समाज पार्टी सौर समाज को साथ लेकर चल रही है, और सौर समाज को साथ लेकर चलना ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सिद्धांत है। संविधान भी यह कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको एक साथ लेकर जो चलेगा वह एक पावरफुल होगा, वह लोकप्रिय होगा। और आज बहन कुमारी मायावती जी लोकप्रिय नेता है। हम यह भी कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती से बड़ा कोई नेता नहीं है आज की डेट में। जो इस समाज से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आती है, वह समाज, वह तबका उत्तर प्रदेश में काफ़ी जागरूक है, और अम्बेडकरवादी तो वह है। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हर पार्टी अपना अपना हलफनामा दे रही है, हर पार्टी अपने अपने तरीके से लगी हुई है। और यदि हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी कुछ अलग रणनीति पर काम करती है, जो हमने देखा, और यह बात कोई हम सुनी हुई नहीं कह रहे, हमने देखा, अपनी आंखों से देखा। उस रैली में हम भी वहां शामिल थे, जो मीडिया का मंच होता है, वहां से हमने ऊपर से कवरेज किया, ऊपर से देखा, दूर तक नज़ारा देखा। वह मैदान पूरा भरा हुआ था खसाखस, चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ थी, और मैदान के बाहर सड़कों पर भी भीड़ थी काफ़ी तादाद में। दूर दूर तक सारा नीला नीला हुआ हुआ था, नीला, सारी सड़कें नीली हुई थी, नीले परचम लहरा रहे थे, और जय भीम के नारे गूंज रहे थे। यह दृश्य हमने अपनी आंखों से खुद देखा, और जो सच्चाई है हम उस पर बात करते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि वहां हमने एक गाना भी शूट किया, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी से संबंधित कार्यकर्ता रहे, और मनोज भैया, एक मनोज भैया नाम मेरठ के अंदर एक उभरता हुआ नेता है, जो कि एक बहुजन समाज का शेर भी है, मनोज भैया। मनोज भैया वह एक योद्धा है जो कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी में एक अच्छे ओहदे पर होंगे। वह मनोज भैया जिनको लेकर हमने वहाँ एक गाना शूट किया, बड़े भाई हैं हमारे मनोज भाई। कांचीराम पार्क में हमने गाना शूट किया, और बहन कुमारी मायावती जी से संबंधित वह गाना था, पार्टी से संबंधित पार्टी। मनोज भाई का संघर्ष हमने उसमें दिखाने की कोशिश की। वह गाने को हमारे बोल दिए हैं भाई निशांत कुमार जाटव ने, बुलंदशहर के सिकंदराबाद के वह रहने वाले हैं, और गाने को
जो लिखा है वह हमने लिखा। गाना आप देखिए सुनिए। इस प्रकार के गाने यदि आपको अच्छे लगते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हमारे कर्मठ युवा नेता बहुजन समाज के शेर मनोज भैया का समाज दिल से स्वागत करता है। राष्ट्रीय मिशनरी भाई उमेश करुणा और गायक निशान सिंह जाटव की तरफ से यह गीत समस्त क्षेत्र की जनता के दिलों में प्राण फूंकने के लिए पेश करते हैं। जय भीम जय भारत। सबका साथ हो, सबका साथ हो, चेहरा ना उदास हो, चेहरा ना उदास हो, चाहे हो कुछ भी, चाहे हो कुछ भी, क्षेत्र में विकास हो, क्षेत्र में विकास हो, सबका साथ हो, चेहरा ना उदास हो, चाहे हो कुछ भी, क्षेत्र में विकास हो। आज देख कर सबका मान बढ़े, आज देख कर सबका मान बढ़े। मनोज भैया, मनोज भैया बसत किसान बने, जनता के दिल के प्राण बने। मनोज भैया बसत किसान बने, जनता के दिल के प्राण बने। पिताजी के मेरठ में नाम है, माता तुलसावती है इनकी बसती की आन है। श्री पाल पिताजी के मेरठ में नाम है, माता तुलसावती है इनकी बसती की आन है। बस पाहे पार्टी, बस पाहे हाथी का निशान है, हाथी का निशान है, बहन जी आदर्श नेता, बहन जी आदर्श नेता, देश की जो शान है, देश की जो शान है। बस पाहे पार्टी हाथी का निशान है, बहन जी आदर्श नेता, देश की जो शान है। अच्छी हो शिक्षा जीवन ना बेकार हो, देश हित में ऐसा काम करें। मनोज भैया बसत किसान बने, जनता के दिल के प्राण बने। मनोज भैया बसत किसान बने, जनता के दिल के प्राण बने। मुस्कान रहे सादगी मेरा है भैया, अलग ही अंदाज रहे। मुझे है जमे भाई पे चेहरे पर मुस्कान रहे, सादगी मेरा है भैया, अलग ही अंदाज रहे। हाथ जोड़ कर चले, हाथ जोड़ कर चले, सबसे सलाम करे, सबसे सलाम मिलनसार है माता बहने, मिलनसार है माता बहने, बूढ़े बच्चे गुणगान करे, बच्चे गुणगान करे, हाथ जोड़ कर चले सबसे सलाम करे। मिलनसार है माता बहने, बूढ़े बच्चे गुणगान करे। दिल में जो प्यार हो मिल जाए साथ हो, एक्टिव रहे चाहे दिन हो या रात हो, सेवा में हर वक्त तैयार रहे। मनोज भैया बसत किसान बने, जनता के दिल के प्राण बने। मनोज भैया बसत किसान बने, जनता के दिल के प्राण बने। विकास हो रहा सब वाही करे, खुश है क्षेत्र की जनता दिल से दुहाई करे। चौतरफ विकास हो रहा सब वाही करे, खुश है क्षेत्र की जनता
दिल से दुहाई करें। बनकर प्रीति निधि, बनकर प्रीति निधि, जनता की भलाई करें, जनता की भलाई करें। मन में जो आस हो, मन में जो आस हो, पूरी हर अरदास करें, पूरी हर अरदास करें। बनकर प्रीति निधि, जनता की भलाई करें। मन में जो आस हो, पूरी हर अरदास करें। जीतेंगे फिर भी कर्म पे विश्वास हो, जीतेंगे फिर भी कर्म पे विश्वास हो, चाहे कोई कैसी भी चाल चले। मनोज भैया बस्ती किसान बने, जनता के दिल के प्राण बने। मनोज भैया बस्ती किसान बने, जनता के दिल के प्राण बने। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।